शिवपुरी जिले के विवेकानंद कॉलोनी में जर्जर रोड पर नगर पालिका द्वारा मुरम गिट्टी डाली गई। वहीं आपको बता दें, यह रोड काफी समय से खराब पड़ी हुई है। नगर पालिका द्वारा उसका टेंडर भी हो चुका है, फिर भी नगर पालिका द्वारा उसको सिर्फ मुरम गिट्टी डालकर रिपेयरिंग किया गया। वहीं आपको बता दें, न्यू दर्पण कॉलोनी में सड़कों की स्थिति भी जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। वहां भी लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, जहां पर आए दिन लोग रोड खराब होने की वजह से हादसे का शिकार हो रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये जो विवेकानंद कॉलोनी आपके द्वारा कार्य चल रहा है, किस प्रकार की कार्य है? यहाँ अस्थायी तौर पर मुरम डालने काम कर रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे और कीचड़ पानी भर गया है, और चूँकि इसकी रोड इसके टेंडर हो चुके थे जो है, और एजेंसी काम नहीं कर रही, इसलिए पुनः टेंडर करेंगे। और अभी फिर आगमन के हिसाब से थोड़ी सी जो है सहूलियत के लिए मुरम वगैरह डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, बात कर लें टेंडर की, कॉलोनी की जो रोड की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, क्या रोड का टेंडर नहीं आया, मुरम का टेंडर आया? इसका टेंडर हो चुका था पहले, और चूंकि वो एजेंसी काम नहीं कर रही, तो हम पुनः टेंडर करने वाले हैं इसके जो है। तो जैसी एजेंसी आएगी, जल्दी रोड बनवा दी जाएगी। यहाँ पर न्यू दर्पण कॉलोनी में रोड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस विषय में आपका क्या कहना है? न्यू दर्पण कॉलोनी, वो जो आप सोच रही है, से ठाकुरपुरा की रोड हमने महाराज साहब के आदेश पर जो है थीम रोड, मिनी थीम रोड हमने ले ली है। इसके अलावा जो है, जो चौराहे से जो है, जो अपना करौंदी तरफ जाते हैं, वो रोड भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जोड़ सकें, लेकिन फिलहाल हम 20 लाख के आसपास की रोड उसमें हम शामिल कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।